रूपकुंड झील एक रहस्यमयी झील है। हिमालय की वादियों में एक खूबसूरत झील स्थित है जिसे रूपकुंड झील कहते हैं। वैसे तो यह झील प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, परंतु यह उतनी ही डरावनी और रहस्यमयी भी है। यहाँ पर हजारों नरकंकाल देखने को मिलते हैं। साल 1942 में यहाँ ब्रिटिश के एक फॉरेस्ट गार्ड को सैकड़ों नरकंकाल देखने को मिले थे। उसने देखा कि झील पूरी तरह मानवों के नरकंकालों और हड्डियों से भरी पड़ी थी। इतने सारे नरकंकाल और हड्डियाँ देखकर ऐसा आभास होता था कि यहाँ पहले शायद ज़रूर कुछ बुरा हुआ था। इसमें देखकर कयास लगाया गया कि ये सभी नरकंकाल जापानी सैनिकों के होंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त ठंड व बर्फीले तूफान की वजह से मारे गए होंगे। उस वक्त जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने फौरन इन नरकंकालों की जांच के लिए एक वैज्ञानिक दल को बुलाया था। जांच के बाद पता चला कि ये नरकंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये नरकंकाल और भी ज़्यादा पुराने थे। के बाद समय समय पर इन नरकंकालों का परीक्षण होता रहा। परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्षों पहले यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हिमस्खलन के चलते हुई। दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी महामारी के कारण हुई है। हालांकि 2004 में रूपकुंड झील पर एक अध्ययन से चौंकाने वाले आंकड़ों का खुलासा हुआ। इस अध्ययन से यह पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए जांच के बाद कई नई चीज़ें सामने निकल कर आई। यह भी पता चला कि इन नरकंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से था। अंत में वैज्ञानिकों ने बताया कि काफ़ी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीज़ों का सिर पर पड़ने के कारण हुई थी। हिमालय पर्वत पर रहने वाली महिलाओं के एक प्रसिद्ध लोकगीत के मुताबिक यह देवी माता बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती थी जो यहाँ आकर पहाड़ की सुंदरता में खलल डालते थे। इस गुस्से में उन्होंने भारी भरकम ओलों की बारिश करवाई जिसके कारण कई लोगों की जानें चली गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि 2004 में एक रिसर्च से यह बात सामने निकल कर आई थी कि अचानक हुई भयंकर ओलावृष्टि से इन लोगों की जानें गई होंगी। वहीं आज भी इस रूपकुंड झील के कई रहस्य झील के भीतर ही दफन हैं। झील में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर आज भी कई सारी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया अवश्य बताएं।